शेर राजा और खरगोश की कहानी। जंगल का राजा शेर जंगल में घूम रहा होता है। उसके साथ उसकी शेरनी और उसके दो बच्चे भी घूम रहे होते हैं। जंगल के सारे जानवर उन्हें बड़े डर के साथ देख रहे होते हैं। कुछ समय बाद जंगल के राजा शेर को बड़ी भूख लगती है और वह अपनी शेरनी को जंगल से किसी जानवर को लाने के लिए बोलता है। शेरनी जाती है और एक जानवर को अपने साथ लेके आ जाती है और शेर उसे खा जाता है। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है। शेरनी रोज उसके लिए एक जानवर को पकड़ के लाती और शेर उसे अपना भोजन बना के खा लेता। फिर एक बार सारे जानवर इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं, ऐसे तो शेर राजा हम सबको खा जाएगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसा बोल के सब शांत हो जाते हैं और खरगोश सामने आता है और बोलता है, मेरे पास एक योजना है, इससे हम उस शेर को हमेशा के लिए जंगल से भगा सकते हैं। और ऐसा बोल के सबको हैरान कर देता है। जंगल के सारे जानवर बोलते हैं, तुम ऐसा क्या करोगे? तो खरगोश बोलता है, तुम सब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, और ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर एक रोज शेरनी अपने शेर राजा के लिए भोजन ले जाने के लिए खरगोश को बोलती है, चलो मेरे साथ, शेर राजा को बहुत भूख लगी है और उन्हें आज तुम्हें खाने की इच्छा है। खरगोश बोलता है, ज़रूर मैं आपके साथ ज़रूर चलता, पर मुझे किसी और शेर ने बुलाया है, उनकी भी इच्छा है मुझे खाने की, और वो शेर राजा से भी ज़्यादा बलवान है, तो माफ़ करें मुझे, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। फिर शेरनी बोलती है, पर शेर राजा से ज़्यादा बलवान तो जंगल में कोई नहीं है, और ये बोल के वहाँ से खाली हाथ वापस चली जाती है। थोड़े समय बाद वे शेर राजा के पास ऐसे ही खाली हाथ पहुँचती है और शेर राजा बोलता है, ये क्या, आज तुम खाली हाथ आई हो, मेरा शिकार कहाँ है? तब शेरनी बोलती है, शेर राजा आपको पता है जंगल में एक आपसे भी ज़्यादा बलवान शेर आ गया है और जंगल के सारे जानवरों को उसने डरा दिया है। अब सब जानवर उसका ही गुणगान गा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो आपसे भी ज़्यादा खूंखार है। ये सुन के शेर बड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, इस जंगल में अगर कोई शेर है तो वो मैं ही हूँ और कोई नहीं। अगर कोई मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत करता है तो मैं उसे जान से मार देता हूँ। और ऐसा बोलकर खरगोश को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है और बोलता है, अरे ओ पिद्दू से खरगोश, तुम क्या कह रहे हो कि जंगल में मुझसे भी ज़्यादा बलवान शेर आ गया है और तुम मुझसे डरने लगे हो? फिर खरगोश बोलता है, हाँ शेर राजा, वो तो आपसे भी बलवान है। शेर बोलता है, चलो मुझे उसके पास ले चलो, मैं भी देखता हूँ कौन मुझसे भी ज़्यादा बलवान है। खरगोश बोलता है, हाँ शेर राजा चलो, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, और शेर को अपने साथ एक पानी के झरने के पास ले जाता है और बोलता है, इसके अंदर देखो, वो शेर इसी के अंदर ही रहता है। शेर इत्मीनान से वहाँ जाता है और उसके अंदर झांक के देखता है तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है, पर शेर राजा इतने गुस्से में होता है कि उसे सोचने तक का भी ख्याल नहीं रहता कि वो उसको मारने के लिए उस नदी में छलांग लगा देता है और पानी में डूबकर मर जाता है। खरगोश बोलता है, अच्छा हुआ शेर राजा मर गया, अब हम सब जंगल में बड़े अच्छे से रहेंगे और जंगल का मजा लेंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है और जंगल के सभी जानवरों को बता देता है और बोलता है कि मेरे सभी साथियों, अब तुम्हें शेर राजा से डरने की ज़रूरत नहीं है, वे पानी में कूद कर मर गया है। और ये सुनकर सारे जानवर बड़े खुश होते हैं और खरगोश का शुक्रिया करते हैं और सुकून के साथ जंगल में रहने लगते हैं। और शेरनी भी उस जंगल को छोड़कर अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।